एवरीवन, सबसे पहले सॉरी फॉर द लेट वीडियो। मैं कोशिश करूंगी कि फ्यूचर में आपकी कंटिन्यूटी ऐसे ब्रेक ना हो पढ़ने में। तो शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ अमीन, मतलब कि अमीन बेसिक क्यों होते हैं नेचर में। ठीक है, तो छोटा सा एक रीजन है कि क्या होता है अमीन्स के पास में, रिकॉल कर लेंगे उसे, NH2। यहाँ होता है लोन पेयर, राइट। अब इस लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन क्या बेसिक नेचर मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो भी होगा वो बेस होंगे, तो ये लोन पेयर जो होते हैं वो डोनेट हो सकते हैं और ये बेस की तरह ऐड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक एलिफैटिक अमीन और एक एरोमेटिक अमीन की, तो डेफिनेटली जो एरोमेटिक अमीन होती है उसके जो लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसलिए वो कंपैरेटिवली एलिफैटिक अमीन से लेस स्टेबल होती है, ठीक है। तो पहले तो हमने बात की थी एलिफैटिक से कंपेयर करके, आज हम बात करेंगे इसी अमीन के ऊपर, इसी एरोमेटिक अमीन के ऊपर जब सब्स्टिट्यूशन लगे होंगे कहीं पर, ठीक है, यहाँ लगे होंगे, यहाँ ऑर्थो मेटा पारा पोजिशन पे लगे होंगे, ठीक है। सेम ग्रुप जब ऑर्थो पे होगा तो क्या होगा, सेम ग्रुप जब पैरा पे होगा तो क्या होगा, या फिर एक अमीन पे एरोमेटिक अमीन पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, एक एरोमेटिक अमीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, ठीक है। तो यही सब बातों के आंसर मिलेंगे हमें इस लेक्चर में। तो पहले हम दो चीजें ध्यान में रखते हैं, एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हमें इन्हें को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि इस रिंग को, कहीं पर भी ऐसे ग्रुप लगे हों इस रिंग में जो कि इस रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दें, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देंगे तब क्या होगा, या फिर कोई ऐसे ग्रुप लगे हो जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, या फिर क्या कह सकते हैं उन्हें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, यानी कि जो रिंग में से अगर वो लगे हैं किसी रिंग, कहीं पर भी कहीं इस ऑर्थोमेटा पोजिशन पे लगे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो वो इसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट करेंगे, ये दो बातें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइनस CH3, OCH3, NH2, याद आ रहा है OH, ये सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे रिंग को, ठीक है। और ये कौन से ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को लेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, COOR लगाए, R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, COOH, NO2, अच्छा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, या कोई हेलोजन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप जब लगे हैं रिंग पे तो वो आपके कहलाएगी, क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिंग में लगे हैं तो वो क्या करेंगे, रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, जैसे ये अमीन दे रहा है, राइट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बिल्कुल ये नहीं बताया है कि कौन से ग्रुप लगने से क्या होगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। अब देखिए क्या होता है, तो हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल सीधे सीधे ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम बराबर से समझेंगे, ऐसा नहीं एक एक करके समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो एक जगह आप देख रहे हो CH3 लगा है, तो CH3 लगा है तो हमारा क्या कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, और एक तरफ NO2 लगा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये क्या कर रहा है,
क्योंकि देखो क्या हो रहा था, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे वो लोन पेयर किसमें, रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ठीक है, तो रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो रही थी, कम हो जा रही थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, CH3 के आने की वजह से, क्योंकि CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है रिंग की तरफ। ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन ये रिंग को दे देता है, तो क्या होता है, इसकी वजह से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अवेलेबल हो पाता है फर्दर किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो इस केस में क्या हुआ, CH3 के प्रेजेंस की वजह से जो रिंग को रेजोनेंस बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इस बेंजीन रिंग को, वो उसने किससे ले लिए, CH3 से, और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो अवेलेबल हो गया रिएक्शन के लिए, कोई भी बेसिक रिएक्शन जिसमें एक बेस की जरूरत थी वो करवाने के लिए ये लोन पेयर अवेलेबल हो गया। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से इस पूरे ये जो भी कंपाउंड है उसकी क्या हुई है, बेसिसिटी इंक्रीज हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं। राइट, ओके। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे क्या है, अब ये NO2 है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी मैंने ये पैरा पोजीशन पे लगा दिए हैं, आप ये किसी भी पोजीशन पे लगे होंगे, तो ऑर्थोमेटा पैरा किसी पे भी हो सकता है, ये भी ऑर्थोमेटा पैरा किसी पे, इसका भी हम एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। अब भाई जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, जो उसने रिंग को दिया था, वो NO2 की वजह से और ज्यादा, क्योंकि NO2 भी रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है और NH2 जो है उसका लोन पेयर रिंग में आने वाला है, तो क्या होता है, ये खींचातानी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसको तो चाहिए NO2 को, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा लोन पेयर था NH2 के ऊपर वो रिएक्शन के लिए, बेसिक रिएक्शन इसकी जो बेसिकनेस थी उसके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी जो बेसिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में की वजह से अगर आपकी एनिलीन के ऊपर, ठीक है, ये जो एनिलीन रिंग है, एनिलीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ओके, तो ये तो था एक सिंपल सा फंडा। राइट, अच्छा, अब इस इन दोनों में से सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज आपसे ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। सपोज ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा। अब हमें पता है, भी हमने ऊपर देखा कौन से दो एग्जाम्पल देखे थे, एक ये देखा था एक ये देखा था। ठीक है, और एनिलीन तो हमारे पास पहले से है ही। अच्छा, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में एनिलीन को फिट करना हो इन दोनों के कहीं पर, तो ये वाला जो होगा, अब आप बताओ एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा या एनिलीन से कम बेसिक होगा। देखो एनिलीन में क्या हो रहा था, ये लोन पेयर जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे थे रिंग में, तो उसकी बेसिसिटी कम हो जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, CH3 ने आके वो इफेक्ट को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। इसका मतलब एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अगर एनिलीन यहाँ लिख देते हैं तो ठीक हो गया। अब अगर एनिलीन से, इस एनिलीन से हम ये वाले कंपाउंड को कंपेयर करेंगे तो क्या हो रहा है, लोन पेयर देखो, इसका लोन पेयर और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रिंग में, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एनिलीन की वजह से, वैसे तो एनिलीन खुद ही क्या कर रहा था, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था उसका बेंजीन रिंग में, लेकिन इस
NO2 ने क्या कर दिया, उसको और ज्यादा खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी जो रही सही बेसिसिटी थी वो भी खत्म हो गई। इसका मतलब जो एनिलीन होगा वो इस से हमारा जो ये पैरानाइट्रो और नाइट्रो एनिलीन है इससे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर इन तीनों का तो ये आ गया। ठीक है, तो यहां से हम देख लेंगे इस एग्जाम्पल में। ठीक है, अब क्या है, ये तीन तो हमने सॉल्व लगभग कर लिए हैं। अब बात आती है ये इस वाले की, जहां पर ऑर्थो क्या है, ये ऑर्थो टोल्यूडीन, टोल्यूडीन ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्थो टोल्यूडीन। तो ऑर्थो टोल्यूडीन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये दे रहा होगा रिंग को। ठीक है, रिंग को दे रहा है, लेकिन होता क्या है, ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, NH2 के पास में बहुत ज़्यादा CH3 आ गया है, इसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा, जिसे कहना चाहिए, एक तो बल्कीनेस बढ़ जाती है इस ग्रुप पे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक वर्ड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो बेसिसिटी होती है, इसका जो काम होता है ना अपना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो होना होने क्या लगता है, क्योंकि अब क्या है, ये तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसे लेना तो चाहिए थे रिंग से। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन लेने तो चाहिए थे इस बेंजीन रिंग से, लेकिन इसके पास क्या पड़ गया, अब ये लोन पेयर वाला NH2। तो ये कहीं ना कहीं से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करने लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो रिंग थी हमारी एनिलीन की, उसका जो बेसिसिटी है वो जो कि तो रह जाती है। ठीक है, तो एनिलीन से तो ज़्यादा होगी इसकी बेसिसिटी, लेकिन क्या होगी, पैरा वाले से कम होगी इसकी बेसिसिटी। लेकिन जब हम इन दोनों की बात करेंगे, सी और डी की, तो सी और डी की जब हमें बात करना है, तो डेफिनेटली हम आंखें बंद करके कह देंगे कि CH3 यहाँ लगा हुआ है और NO2 यहाँ लगा हुआ है, तो डेफिनेटली सी जो है वो ज़्यादा बेसिक नेचर का है। तो इन चारों में सबसे बेसिक नेचर हमारे पास कौन सा आ जाता है, बी। ठीक है, क्योंकि पैरा पोजिशन पे CH3 है। उसके बाद आ जाता है डेफिनेटली सी। ठीक है, ऑर्थो हमेशा पैरा से कम बेसिक होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ए, एनिलीन, क्योंकि हमें पता है एनिलीन की जो बेसिसिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले एनिलीन से हमेशा ज़्यादा होगी, तो ए। उसके बाद आ जाता है हमारा डी, राइट। तो इस एग्जाम्पल से आई होप आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में से इस एनिलीन की बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो इसमें एक की पॉइंट हमें जरूर याद रखना है कि देखो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप होगा, इन बोथ केसेस ऑर्थो इफेक्ट विल डिक्रीज बेसिसिटी। ओके, मतलब कि जैसे अगर हम नाइट्रो और पैरा एनिलीन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर एक यहीं पर देख लेते हैं कोने में। अब हम बात करते हैं इसको, बाकी छोड़ दीजिए, ये दोनों की बात करते हैं। नाइट्रो एक तो ऑर्थो पे लगा है और एक पैरा पे लगा हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा बेसिक होगा, तो क्या वो बताया था मैंने अभी एक की पॉइंट, ये जो ऑर्थो वाला इफेक्ट है ना, ये दोनों केसेस में सेम लगेगा, यानी कि ऑर्थो पोजीशन वाले की बेसिसिटी हमेशा कम होगी पैरा पोजीशन वाले से, अगर सेम ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है,
क्योंकि ग्रुप अगर बड़ा है, ऑर्थो, अगर ऑर्थो पे ग्रुप लगा है और बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, जैसे OH लगा हुआ है, OH लगा है और CH3 लगा हुआ है, एक पे CH3 लगा है, एक पे OH लगा हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेटली बड़ा ग्रुप कौन सा है, OH ज्यादा बड़ा ग्रुप है, तो आप डेफिनेटली वहां पर क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखा दोगे, क्योंकि हमारा जो OH है वो कहाँ पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से हमें दिखाना है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल, ये आ रहा हम हमारा सपोज, ये क्या है, डाई फिनाइल अमीन। आपसे कहा जाए डाई फिनाइल अमीन या फिर एनिलीन में से कौन सा ज्यादा बेसिक है। अब देखो क्या है, आप कहोगे ये देखो, अब ये जो लोन पेयर होता है ना डायफिनाइल अमीन में, इसके पास दो रिंग है, ये दो रिंग से अटैच्ड है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों रिंग में होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो लोन पेयर होंगे वो ज्यादा एंगेज हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट होने में, रिंग में के ऊपर मूव करने में, और एनिलीन जो होगा उसके नॉर्मल जैसा है वैसा ही, एक एक ही रिंग है उसके पास, तो दो रिंग होने की वजह से इसके लोन पेयर और ज्यादा एंगेज हो जाएंगे, इसलिए ये जो है लेस बेसिक होगा डाइफिनाइल अमीन किससे, एनिलीन से, ठीक है। एक एग्जांपल आपका ये हो गया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक अमीन। आपका कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और जरूर पूछिए, क्वेश्चंस पूछने से डाउट बहुत सारे क्लियर होते हैं। ओके, तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। बाय, ऑल द बेस्ट।